ये प्रभाव ज्ञात करने के लिए सबसे पहले वैज्ञानिक ऑरेस्टेड ने 1820 में कुछ प्रैक्टिकल किए थे और उन्हीं प्रैक्टिकलों को आगे बढ़ाते हुए जैसे जैसे उसमें इनोवेशन हुआ, कुछ नए एक्सपेरिमेंट आए और उसके बाद में किसी भी चालक तार में जब अपन धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरफ होती है, इसको मेजरमेंट करने के लिए, पता करने के लिए, उसको ज्ञात करने के लिए एक नया सिद्धांत आया और उसके अंदर विद्युत धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों को ज्ञात करने के लिए दो एक्सपेरिमेंट आते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के अंदर सबसे पहला एक्सपेरिमेंट अपने पास में रहेगा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। इस दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम की बात करें तो ये सिद्धांत कहता क्या है, इसका मेन थीम क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी चालक तार के रूप में एक हाथ के अंदर छड़ी है, कोई भी हाथ के अंदर जैसे पेन है या कुछ भी थिंग्स अपने पास में है और उसको जब अपन हाथ में पकड़ते हैं, जैसे अपने पास में कोई पेन है, नॉर्मली अपने पास में पेन है, ये मेरे हाथ में पेन, अब इस पेन को मैंने हाथ में पकड़ा, जैसे यूं हाथ में पकड़ा, सेम की सेम ये घटना, यहां से इसको ये उल्टा कर रहा बस इतना सा ही है और कुछ भी नहीं है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ के नियम, अपना जो दक्षिणावर्त नियम है, राइट, इसको क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त, वामावर्त, दक्षिणावर्त, ये दक्षिणावर्त हाथ है जिसको क्लॉकवाइज कहते हैं, घड़ी की दिशा वाला। इसमें किसी भी चालक तार को पकड़ो, ये जैसे हाथ यूं चित्र यूं दे रखा है, इसको यूं भी पकड़ो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे कोई भी चालक तार है जिसके अंदर धारा का प्रवाह हो रहा है और किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित करती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उस चालक तार में धारा तो प्रवाहित होती है लेकिन उस धारा के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैलकुलेट करने के लिए, ज्ञात करने के लिए फर्स्ट नियम आता है जिसे दक्षिणावर्त हस्त अंगुष्ठ हस्त नियम कहते हैं। यह सिंपल सा नियम कहता है कि किसी भी चालक तार को अगर हाथ में पकड़ो तो हाथ का जो ये थंब है, अंगूठा है, ये धारा की दिशा को बताता है। यहाँ पे नो डाउट देख सकते हो कि धारा की दिशा हाथ में ऐसे पकड़ रखा है तो नीचे की तरफ धारा की दिशा इधर की तरफ रहेगी, ये नीचे की तरफ अंगूठा नीचे की तरफ है और ये अंगूठा यहाँ पे धारा की दिशा को बताता है, ये यहाँ पे धारा की दिशा को बताएगा, ये धारा आई की दिशा इधर की तरफ है, ये धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है। लेकिन चालक तार को जब पकड़ते तो अंगूठा धारा की दिशा को बताता है लेकिन मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को स्पष्ट करती है कि चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र जस्ट एक दूसरे के अलोंग है, धारा की दिशा ऊपर की तरफ है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताने के लिए यहाँ पे अंगुलियां काम कर रही है, तो अंगुलियों की दिशा यहाँ पे इधर की तरफ है, ये अंगुलियों की दिशा है और अंगुलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र को स्पष्ट करती है तो ये यहाँ पे हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये यहां से चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रकट करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र और ये धारा की दिशा, इतना सही था, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है क्या, तो दक्षिण हस्त नियम कहता है कि किसी भी चालक तार को हाथ में पकड़ेंगे तो अंगूठा धारा की दिशा को और मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को स्पष्ट करती है, व्यक्त करती है, अभिव्यक्त करती है। क्लियर। नेक्स्ट आता है दूसरा, स्क्रू नियम या पेच नियम। स्क्रू नियम या पेच नियम का सिंपल सी थ्योरी है कि मान लो ये कोई स्क्रू है, ये स्क्रू है और पीछे की तरफ माइनस का साइन बना हुआ जिसके ऊपर अपन पेचकस लगा करके इसको किसी लकड़ी के अंदर कस सकते हैं। ये मान लो स्क्रू है और ये कोई एक व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, प्लाई बोर्ड है, इसके ऊपर अपन अगर पेच को कसेंगे तो जैसे ही आप इधर की तरफ कसोगे तो इसको यूं रोटेट करना पड़ेगा, जैसे रोटेट करोगे तो इसके ऊपर ये वृत्ताकार चूड़ियां बनी हुई है, ये वृत्ताकार चूड़ियां बनी हुई है और पीछे माइनस साइन है, यहां पे आप पेचकस लगा करके जब इसको कसोगे, पेचकस लगा करके जब कसोगे तो पेचकस को जिस तरफ रोटेट कर रहे हो वो यहां पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा और ऊपर की तरफ ये जो पेच है ये लकड़ी के अंदर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, अंदर की तरफ गति कर रहा है, पेच की गति विद्युत धारा की गति को दिखाती है और इसकी वृत्ताकार चूड़ियां चुंबकीय क्षेत्र को स्पष्ट करती है। तो यहां पे देखेंगे ये जो ऊपर की तरफ गति कर रहा है ये तो इसकी धारा है, धारा को बताएगा, आई को स्पष्ट करेगा और ये इसके ऊपर वृत्ताकार चूड़ियां है, ये वृत्ताकार चूड़ियां चुंबकीय क्षेत्र को स्पष्ट करती है, ये यहां से चुंबकीय क्षेत्र, दो पॉइंट हो जाते हैं, धारा की दिशा किस तरफ है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरफ है, दो नियम आते हैं, दक्षिणावर्त पेच नियम
और दूसरा दक्षिणावर्त अंकुश सहज नियम, दोनों से अपन धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। सो थैंक यू।